वाटर मैनिफेस्टेशन मेथड एक ऐसा तरीका है जिसका उपयोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। यह विधि पानी की शक्ति पर आधारित है, क्योंकि पानी एक ऐसा पदार्थ है जो ऊर्जा को अवशोषित और संग्रहित करने में सक्षम होता है। जब आप अपनी इच्छाओं को पानी में डालते हैं तो पानी उन इच्छाओं को ऊर्जा के रूप में अवशोषित कर लेता है। ये एक ऐसा मैजिकल प्रोसेस है जिसको करने से आपकी इंटरनल हीलिंग हो जाएगी और आप बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे, क्योंकि पानी की एक अपनी मेमोरी होती है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि अगर आप किसी भी फीलिंग से, किसी भी वाइब्रेशन से कोई भी पानी पीते हैं या कंज्यूम करते हैं, और जिस भी वाइब्रेशन के साथ जल आपके भीतर जाता है, आपके बॉडी में जाता है, आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है, आपके अंदर वैसे ही वाइब्रेशंस आ जाती है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सच में वर्क करता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत से साइंटिफिक रिसर्च हुए हैं। ये जानने से पहले कि पानी के भीतर साइंटिफिक रिसर्च में क्या पता चला है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, और हम ये भी जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जितने भी टेक्निक है उनमें से सबसे पावरफुल टेक्निक वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक कभी फेल नहीं होती है, और आप इसे जिस भी चीज के लिए कर रहे हैं, चाहे वो पैसा हो, खुशी हो, समृद्धि हो, सभी चीजों में 100% काम करती है। लेकिन इस वीडियो में आप सिर्फ एक ही अफर्मेशंस के बारे में जानेंगे, एक ही संकल्प के बारे में जानेंगे, जिसे आपको 3 टाइम सुबह, दोपहर और शाम को लेना है। और जब भी इन तीनों टाइम में आप पानी को पिए तो आपको उन बातों को बोलना है, फिर आप देखेंगे कि आपके भीतर एक चमत्कार सा महसूस हो रहा है, आपकी इच्छाएं जादू की तरह पूरी हो रही है। आइए समझते हैं कि वाटर टेक्निक जो है इसे हम क्यों करते हैं, क्या ये सच में वर्क करता है। अगर आप प्राचीन समय में जाएंगे तो आपने वेदों पुराणों में भी देखा होगा, पढ़ा होगा, जिसे स्पिरिचुअलिटी कैटेगरी में रखा जाता है। आपने ऐसा देखा होगा कि जब भी आप कोई स्पिरिचुअल स्थान में जाते हैं या कोई धार्मिक जगह पर जाते हैं, वहां पर आपको जल दिया जाता है, एक अमृत रूपी जल जिसको हम भगवान का प्रसाद भी कहते हैं। क्या आपने इस पर कभी विचार किया है कि आखिर वो जल क्यों दिया जाता है? उसको पीकर आप बहुत ही शांत और पीसफुल महसूस करते हैं, क्योंकि जल या पानी जो कि सभी जीवों के जीवन की एक मूलभूत जरूरत है और पृथ्वी की 76.5% भाग को ढके रहता है, और जल मनुष्य के शरीर के 65% से ज्यादा का भार होता है, उस पानी की अपनी याददाश्त भी होती है। 19 में जापानीज बिजनेसमैन और साथ ही साथ एक साइंटिस्ट भी थे वो, जिसका नाम था मुसारी इमोटो। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वे कहते थे कि वाटर टेक्निक के बारे में उनका मानना यह था कि पानी सकारात्मक विचारों और शब्दों पर प्रतिक्रिया कर सकता है, और प्रदूषित पानी को भी अगर प्रार्थना के माध्यम से सही तरीके से पॉजिटिव थॉट दिया जाए तो वह पानी भी साफ हो सकता है। इसी कंफ्यूजन में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 जग में पानी लिए और एक ही सोर्स से दोनों जग में पानी को उन्होंने भरा, लेकिन भरने के समय उन्होंने थोड़े से चेंजिंग किए और वो चेंजिंग अपने विचारों में किए। वे जब एक जग में पानी भर रहे थे उस वक्त वे पॉजिटिव सोच रहे थे, यानी कि पानी को पॉजिटिव वाइब्रेशंस वे दे रहे थे, अच्छे शब्द बोल रहे थे, लव वाले शब्द बोल रहे थे, अबंडेंस वाले शब्द बोल रहे थे, और वही बोलने के दौरान वे जग में पानी डाल रहे थे। ठीक इसी प्रकार जब उन्होंने दूसरे जग में पानी डाला तो पानी का सोर्स वही था जिस सोर्स से उन्होंने पानी पहले जग में डाला, वही सोर्स से वे दूसरे जग में भी पानी डाल रहे थे, लेकिन इस समय वे पानी डालने के समय नेगेटिव शब्द बोल रहे थे, हेट फीलिंग्स दिखा रहे थे, नेगेटिव वाइब्रेशंस पानी को दे रहे थे। दोनों गिलास को उन्होंने ए और बी कैटेगरी में बांट दिया, जिसमें अच्छे शब्द बोले गए थे उन्हें ए कैटेगरी में रखा गया, और जिसमें बुरे शब्द बोले गए थे, हेट फीलिंग्स वाले शब्द बोले गए थे, नेगेटिव वाइब्रेशंस दिए गए थे, उन्हें बी कैटेगरी में रखा गया। फिर दोनों गिलास के पानी को फ्रिज में रख दिया गया। कुछ समय के बाद पानी जम जाता है और उनके आइस क्यूब बन जाते हैं। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से माइक्रोस्कोप से देखा कि जो पानी के क्रिस्टल्स थे जिसमें प्यार वाले शब्द, पॉजिटिव फीलिंग्स, अच्छे शब्द बोले गए थे, उनके क्रिस्टल बहुत ही खूबसूरत थे, और दूसरी तरफ जिन क्रिस्टल को उन्होंने नेगेटिव वाइब्रेशंस दी थी, नेगेटिव शब्द बोले थे, बुरे शब्द बोले थे, कड़वा शब्द बोले थे, नेगेटिव एनर्जी दी थी, उस पानी के क्रिस्टल अच्छे स्थिति में नहीं थे, उनका शेप भी इरेगुलर था। यहाँ से एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये निकलता है कि हमारे शब्द, हमारे विचार पानी बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट करता है, उन्हें कैच करता है। पानी अपने आप में एक जादुई शक्ति है, क्योंकि बहुत से ऋषि मुनि लोग भी पानी के बारे में कहते हैं। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि पुराने जमाने में, यहाँ तक कि अभी भी आधुनिक जमाने में, ऋषि मुनि लोग पानी छिड़क कर किसी को भी आकर्षित कर लेते हैं। और अगर डॉक्टर बी के शिवानी को देखा जाए तो उन्होंने कहा था कि हम जिस भी शहर में रहते हैं उस शहर के पानी में उसकी वाइब्रेशंस होती है, और जिस भी शहर के पानी की वाइब्रेशंस जैसी होती है हम बिल्कुल वैसे ही बनते चले जाते हैं। इसलिए हर एक शहर के लोगों के थॉट्स, विचार और भावनाएं अलग अलग होते हैं। आप देखे होंगे कि कोई भी पर्टिकुलर शहर के लोग एक ही तरह के ज्यादातर सोचते हैं, और वहीं पर अगर आप दूसरे शहर में जाएंगे तो वहाँ के लोगों की सोच पहले शहर के लोगों की सोच से मिलती जुलती नहीं है।
क्योंकि दोनों शहर की जलवायु अलग है, क्लाइमेट अलग है, दोनों शहर का पानी अलग है, और जिस शहर के लोग जिस शहर का पानी पीते हैं उनकी फीलिंग्स बिल्कुल वैसे ही बनते चली जाती है। डॉक्टर इमोटो कहते हैं कि जो पानी है वह आपके वाइब्रेशंस को बहुत ही जल्दी अपने अंदर समा लेता है, यानी कि जो भी पानी हम पीते हैं उस वक्त हमारी वाइब्रेशंस कैसे हैं, हमारी फीलिंग्स कैसी है, हमारे शब्द कैसे निकलते हैं, वे सभी चीजें पानी अपने अंदर समा लेता है और वही पानी हमारे शरीर के भीतर जाता है। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप पानी पिए उस वक्त अच्छे शब्दों का आप इस्तेमाल करें, तभी आप वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अपने जीवन में ठीक से इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए आगे समझते हैं कि वो कौन सा अफर्मेशंस है जिसे अगर हम उपयोग करते हैं तो वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक हमारे जीवन में प्रभावी तरीके से काम करेगा। इस अफर्मेशंस को सिर्फ और सिर्फ शुरुआत में आप 3 दिन ही करना शुरू करें। 3 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके भीतर एक बदलाव नजर आ रहा है, आपके भीतर एक आंतरिक शांति, आंतरिक खुशी है, और आपके भीतर की आंतरिक शांति लगातार बढ़ती जाएगी। क्योंकि अगर आप अंदर से स्थिर नहीं होंगे, अंदर से हील नहीं होंगे, तो आप चीजों को कैसे मैनिफेस्ट करेंगे, आप चीजों को अपनी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले आपको एक ग्लास लेना है, अगर ग्लास कांच का हो तो ज्यादा बेटर होगा, ऐसे भी आप ग्लास कांच का और स्टील का दोनों ले सकते हैं। यहाँ पर आप ग्लास की जगह वाटर बोतल भी ले सकते हैं, मतलब आपकी स्थिति जैसी भी हो, अगर आपको ग्लास लेने में दिक्कत हो रही है, अगर आप वर्किंग कल्चर में है, जॉब कर रहे हैं, तो ये आपके वाटर बोतल से भी काम हो जाएगा। फिर जब आप वो पानी का ग्लास अपने हाथों में ले तो सबसे पहले उसको देखते हुए ग्रेटिट्यूड फील करें, क्योंकि ग्रेटिट्यूड फील करना बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, ये आपके भीतर के वाइब्रेशंस को बढ़ाता है। ग्रेटिट्यूड फील करें, ग्लास को देखें, उसको धन्यवाद करें, क्योंकि वही एक मैनिफेस्टेशन टूल है जो कि आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपकी मदद करेगा। उसके बाद आप जो कुछ भी पानी से भरे ग्लास को आप बोलने जा रहे हैं उन्हें दिल से फील करें, उन्हें धन्यवाद करते हुए बोले कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ, धन्यवाद, 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 मैं सच में बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं तुम्हें यानी कि अमृत रूपी जल को मैं पी रहा हूँ। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर बहुत ही शक्ति है जो कि मेरे भीतर समाहित हो रही है। यहाँ पर आपको समझना होगा कि जब आप ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं, जब आप इन शब्दों को बोल रहे हैं या सोच रहे हैं, उस वक्त आप पानी को पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, उस एनर्जी को आपको महसूस करना है। फिर उसके बाद आपको ये अफर्मेशंस 11 बार बोलना है उस पानी को देखते हुए, आई एम डिवाइन सोल, आई एम अ डिवाइन सोल, आई एम अ डिवाइन सोल। इस तरीके से आपको इस अफर्मेशंस को 11 बार बोलना है, और ऐसे बोलते बोलते आपको वाटर को चार्ज करना है। जब 11 बार हो जाएंगे तब आपको लास्ट में फिर कहना है, थैंक यू सो मच, मैं डिवाइन हो रहा हूँ और ये मुझे पता है कि मैं डिवाइन हो चुका हूँ। आप इसे एक बार करके देखें, सच में यह अफर्मेशंस, यह संकल्प जादू की तरह काम करता है। उसके बाद आपको उस पानी को घुट घुट करके पी जाना है, और पीने के समय आपको ये महसूस करना है कि आपने जो कुछ भी कहा वो सभी एनर्जी पानी के माध्यम से आपके बॉडी में जा रही है, वह डिवाइन एनर्जी आपके अंदर जा रही है, आपकी बॉडी को अंदर से हील कर रही है, आप अंदर से हील हो चुके हैं और आप हैप्पी हो चुके हैं, आपकी आंतरिक खुशी और शांति बढ़ती जा रही है। और ये करने के बाद आपको लगभग 1 से 2 मिनट बिल्कुल शांत रहना है, आपको उस एनर्जी को 2 मिनट तक फील करना है। इसी प्रक्रिया को आप दोपहर और रात को करें, फिर आप देखेंगे कि ठीक 3 दिनों के बाद ही आपके भीतर एक बदलाव महसूस हो रहा है। ये पूरी प्रक्रिया करने का सिर्फ एक ही मकसद है, आपके भीतर की एनर्जी को बढ़ाना, आपके भीतर के वाइब्रेशंस को हाई करना। क्योंकि जब आपके भीतर के वाइब्रेशंस ही हाई हो जाएंगे तो आपकी कोई भी इच्छा होगी उस इच्छा के प्रति आप बिल्कुल सकारात्मक सोचेंगे, और कोई भी इच्छा के बारे में अगर आप सकारात्मक सोच रहे हैं, उस इच्छा के साथ आप हाई वाइब्रेशंस को अलाइनमेंट बना रहे हैं, तो वही वाइब्रेशंस वाली एनर्जी आपके अवचेतन मन में चली जाती है। और एक बार कोई भी विचार या भावनाएं आपके अवचेतन मन में चली जाए तो फिर आपका अवचेतन मन ही इस ब्रह्मांड से कनेक्ट करके आपको हर वो पॉसिबिलिटीज ला कर देता है। क्योंकि आपका अवचेतन मन लगातार इस ब्रह्मांड को एनर्जी भेजता रहता है, और जो भी एनर्जी इस ब्रह्मांड तक जाती है ये ब्रह्मांड उस एनर्जी पर रिएक्शन जरूर देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जो भी एनर्जी इस ब्रह्मांड में जाती है, ब्रह्मांड सेम इसी एनर्जी को आपके जीवन में अवसर के रूप में ला कर देता है, आपके जीवन में हर वो पॉसिबिलिटीज ला कर देता है जिसके आप वास्तविक हकदार है। इसलिए दोस्तों आज के बाद ये बात याद रखें, जब भी आप पानी पिए तो उस वक्त आप नकारात्मक ना सोचें, क्योंकि कहीं ना कहीं नकारात्मक एनर्जी पानी के साथ आपके भीतर चली ही जाती है। इसलिए पानी पीने के समय आप सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोचें, और जो अफर्मेशंस मैंने आपको बताया इसे आप सिर्फ दिन में 3 बार करें, फिर आपकी हर एक इच्छा खुद ब खुद मैनिफेस्ट होती चली जाएंगी। दोस्तों वीडियो कैसे लगे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या पता आपका एक कमेंट किसी का जीवन बदल दे। और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आप मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आसानी से पा सकें।